चिकन ढाबा रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है हाफ के जी चिकन, जिसको अच्छी तरह से धो लिया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे हैं दो टमाटर और दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके साथ साथ ये हैं हमारे पाउडर्ड मसाले, जिसमें है आधा चम्मच गरम मसाला, और ये है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, और ये है ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक टेस्ट के हिसाब से, और ये है हमारी वाइट गोल मिर्च, सफ़ेद वाली जो गोल मिर्च होती हैं, तो इसको भी हम डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसकी जगह पे काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे हैं ये चार हरी मिर्च। तो अब चलिए पहले देख लेते हैं, पहले हम तैयारी कर लेते हैं, अपने मसाले बना लेते हैं। यहाँ पे टमाटर को हम भूनेंगे, टमाटर और मिर्च दोनों को भूनेंगे और इसका बनाएंगे पाउडर। तो चलिए बना लेते हैं। पहले हम ब्रश करना है, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे इसको, सफ़ेद मिर्च को। तो इसके लिए अगर जैसे अब तो सब फ्लैट्स में ही रहना है, इसके नीचे एक मोटी तौलिया बिछा लें, जिससे नीचे वालों को परेशानी ना हो, नीचे वाले नेबर्स को, क्योंकि ज़्यादा शोर होता है तो नेबर्स आ जाते हैं। करेंगे हम टमाटर और हरी मिर्च दोनों को। तो इससे पहले इसको थोड़ा सा ऑयल से कोट कर दें, ऑयल की कोटिंग करें दोनों चीज़ों में, टमाटर में भी, और दोनों टमाटर को मैंने ऑयल में ऐसे क्लियर लगा दी। इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। और अब हम इनको रोस्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रोस्ट करें। तो गैस को ऑन करके इसके ऊपर ये टमाटर, अभी मैं धीमी कर लेती हूँ आँच, और ऐसे हम मिर्च रख देंगे। तो अब टमाटर और मिर्च भून चुके हैं, इनको मैं हटा लेती हूँ। अब हम इनको टमाटर को डाल देंगे ठंडे पानी के बॉल में, टमाटर और मिर्च दोनों को, इससे इसकी स्किन निकल जाएगी आसानी से, ये निकाल सकते हैं, और इसमें हमारे चिकन में एक बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, जो ढाबे के खाने में होता है, जो आपको एक अलग से फ्लेवर मिलता है, वो स्मोक का ही होता है। तो अब हम टमाटर को चार पीस में काट लेंगे ऐसे, बस बहुत महीन नहीं करना है इसको हमें, ये देखिए, और ऐसे चार बड़े बड़े टुकड़ों में, और ये मिर्चों के भी दो पीसेस कर लेंगे, और ये हो गए हमारे टमाटर का काम। अब हम करते हैं चिकन को बनाना स्टार्ट। एक बड़ी कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा सा तेल लेके इसको हम चिकन को करेंगे फ्राई, इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, करीब 7 से 10 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। इसे चला दीजिए इसको, ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इस तरह से तल चुका है। अब इसकी गैस बंद करके इसका एक्सेस ऑयल निकाल देते, तो मैं ये सारा तेल इसका निकाल देती हूँ, एक्सेस जितना भी है। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ, मीडियम फ्लेम ही रखेंगे, और इसमें डाल देंगे ये अदरक लहसुन। अब ये अदरक लहसुन के साथ हम इसको तलेंगे, इसके साथ साथ इसमें डाल देती हूँ नमक। अदरक लहसुन के पड़ते ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ताकि ये इसके साथ अच्छी तरह भुन जाए, क्योंकि ये पेस्ट जलने लगा था तो थोड़े पानी की ज़रूरत थी। तो अब हम अदरक लहसुन के साथ भी करीब 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे, और इसकी भुनाई मेन है, इसको हमें भूनना बहुत अच्छी तरह से है, इस चिकन में यही इसकी खासियत है। तो भूनते रहेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी अपने भुने हुए टमाटर और मिर्च, थोड़ी देर इसके साथ भी चला के पकाएंगे इसको। डालेंगे अपने पाउडर मसाले, आंच को धीमी कर लें क्योंकि पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इस स्टेज में ये जल सकता है, तो ये मैंने फ्लेम को बिल्कुल कम कर लिया है। इसके साथ साथ इसमें डाल देते हैं अब ये ज़ीरा और ये सफ़ेद मिर्च जो हमने कूटी थी, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, वो है दही। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही, दही को ताज़ा ही लीजिएगा, खट्टा दही मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टमाटर पड़े हैं, बहुत खट्टा कर देगा इसको, तो ताज़ा दही जो होगा वो इसके टेस्ट को बैलेंस कर देगा और एक क्रीमी टेक्सचर देगा।
इसलिए हम दही डाल रहे हैं इसमें। और बस अब इसके साथ थोड़ी देर हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर और सारी चीज़ों को गलने देते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ मैं, करीब आधी कटोरी, और इसको अब गलने देते हैं। वैसे तो पूरा ये 70% तक गल चुका है, क्योंकि हमने इसको तला काफ़ी है, फिर उसके बाद अदरक लहसुन के साथ भूना है। ये फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसको करीब 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, वो भी ढाँक कर। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको खोलती हूँ। तो डाल देंगे गरम मसाला और इसको भून लेंगे। तो इसको हम भूनेंगे जब तक जैसे सारे ऑयल बाहर आ जाएगा, मसाला अच्छी तरह से, थोड़ा हमारी थिक ग्रेवी हो जाएगी। और अब आप देखिए इसमें कलर कितना अच्छा आ गया है, और बनाने में भी बड़ा आसान था ये। प्याज इसमें बिल्कुल नहीं पड़ी है। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया, क्योंकि ढाबे में धनिया ज़रूर पड़ती है हर चीज़ में। अगर आपको नहीं पसंद है आप नहीं भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस, क्योंकि घर में बनाने में यही आसानी रहती है कि हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें डाल सकें। ऑयल पूरी तरह से निकला है, इसको हम सिर्फ धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए और बंद करके रखेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है और ये देखिए चिकनाई पूरी तरह से ऊपर आ गई, सारा ऑयल ऊपर आ गया, और अब ये बिल्कुल हमारा रेडी टू सर्व है। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये हमारी चिकन ढाबा रेसिपी बिल्कुल रेडी है, और ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अभी कुकिंग सीख रहे हैं, यानी कि बिगनर्स रेसिपी है। और बैचलर्स के लिए तो है ही ये परफेक्ट, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चॉपिंग और ग्राइंडिंग नहीं करना, और बहुत कॉमन मसाले यूज़ हुए हैं तो वो आसानी से बना सकते हैं इसको। और इसका टेस्ट जानने के लिए तो आपको एक बार बना के देखना पड़ेगा। प्लीज़ एक बार बनाएं ज़रूर, इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करें समद किचन को, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग समद किचन।